हेलो बच्चों, आज सीखेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर से कई क्वेश्चंस रहता है। इसमें जो है एक फिगर रहता है, एक कॉम्प्लिकेटेड सा, उसमें जो है ट्रायंगल्स या क्वाड्रिलेटरल्स काउंट करने के लिए रहता है, तो इसमें जो है बहुत सारे मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए कुछ ट्रिक बनाए हैं। उस ट्रिक के सहायता से बड़े आसानी से ये सारे क्वेश्चंस सोल्व हो जाते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चंस का ट्रिक बनाएंगे और उसके सहायता से फिर बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो इसमें कई पैटर्न बनाया गया है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट पैटर्न है जिसमें ट्रायंगल को काउंट करना है। अभी ये है, इसमें एक ट्रायंगल है, उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो इसमें कितने ट्रायंगल्स है ये काउंट करना है। काउंट करने का क्या तरीका है, हम इसमें ट्रायंगल काउंट करेंगे, वन टू, और वन और टू को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा थ्री। इसमें टोटल थ्री ट्रायंगल्स है। अभी इस फिगर में देखेंगे तो कितने ट्रायंगल्स है, तो वन टू थ्री। तो इसमें हम कैसे करेंगे, वन टू थ्री को ऐड कर देंगे, थ्री टू फाइव वन सिक्स, टोटल सिक्स ट्रायंगल्स इसमें बनेंगे। काउंट करेंगे तो ये सिक्स ट्रायंगल्स आ जाएगा। एक ये ट्रायंगल, एक तो तीन दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा, तीन तो दिख ही रहा है, उसके बाद चौथा ट्रायंगल ए वाली ट्रायंगल हो जाएगा, पांचवा ए वाली हो जाएगा, और छठा ये पूरा ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्टकट है, उसके सहायता से आराम से इस तरीके से काउंट कर लेते हैं। अब इसमें कैसे काउंट करेंगे, इसमें भी हम ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। अभी हम क्या करेंगे, वन से लेकर के फाइव तक ऐड कर लेंगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव को ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव इंटू सिक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा फिफ्टीन। तो अगर ये दोनों लाइन नहीं रहता ऊपर का, और ये लाइन नहीं रहता, तो ये फिफ्टीन ट्रायंगल होता। तो अभी ये ट्रायंगल्स बढ़ जाएंगे, तो कितना बढ़ जाएंगे, इसको भी कर लेंगे ओ वन टू, तो यहाँ से तीन ट्रायंगल बढ़ जाएंगे, इसको भी कर लेंगे ओ वन प्लस टू कर लेंगे तो थ्री, और एक ट्रायंगल यहाँ बढ़ जाएगा, तो टोटल फोर ट्रायंगल बढ़ जाएगा। तो फिफ्टीन प्लस फोर कितना हो जाएगा, नाइनटीन हो जाएगा। तो ये एक पैटर्न कंप्लीट हुआ। इस पैटर्न का हम यूज करेंगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में, अगर ये मिक्स किया हुआ रहे तो इस तरीके इसको हम यूज करेंगे। दूसरा पैटर्न है इस तरीके का रहे, तो इसमें भी हम ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर। अभी इसको क्या करेंगे, तो इसके ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे, तो इसमें हो जाएगा फोर है, लास्ट नंबर हमारा फोर है, तो फोर इंटू टू, टोटल इसमें एट ट्रायंगल बनेगा। इसी तरीके से जो दूसरा पैटर्न है उसमें देखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो इसमें टोटल एट है, तो एट टू या सिक्सटीन, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स सिक्सटीन बनेगा। अभी ये थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, तो इसमें देखेंगे इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, तो इसमें ट्रायंगल्स बन जाएगा उसी तरीके से। ये देखिए, ये जो बीच में है ना, यही ट्रायंगल बिल्कुल, यही फिगर बिल्कुल बीच में आ गया है, तो उसमें भी आ जाएगा कितना, 16 ट्रायंगल्स आ जाएंगे। बाहर में भी वही फिगर है, बाहर में अगर देखें तो वही फिगर वापस से है, अगर काउंट करूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो एट टू जा 16 बाहर में ट्रायंगल है, और अंदर में भी फिर से वैसे ही 16 है, तो 16 16 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पैटर्न में भी 32 हो जाएगा। तो ये है पैटर्न थ्री। अभी इसमें हम ट्रायंगल्स काउंट करेंगे, तो इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, तो इसमें काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर, और एक पूरा ट्रायंगल है, तो इसमें टोटल फाइव ट्रायंगल है, तो इसको कैसे लिखेंगे, फोर प्लस वन, एक पूरा ट्रायंगल है उसको हम फोर प्लस वन, तो ये फाइव है। अभी इस पैटर्न में ट्रायंगल काउंट करते हैं, तो इसके लिए क्या किया हुआ है, अगर ये पैटर्न आ जाता है तो फोर ट्रायंगल आता है। अभी इसमें ये देखते हैं तो ये पैटर्न इसमें भी है, अगर ये अंदर वाले को छोड़ दें तो ये पैटर्न इसमें है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ए फोर ट्रायंगल हुआ, मतलब ए वाली पैटर्न कंप्लीट हुआ, तो फोर ट्रायंगल हुआ।
अभी अंदर में एक और यही पैटर्न कंप्लीट हो रहा है तो फिर से फोर ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल बाहर है तो फोर प्लस फोर प्लस ओवन टोटल कितना है, फोर फोर एट और ओवन नाइन ट्रायंगल इसमें है। अच्छा अभी इसमें हो गया नाइन ट्रायंगल, तो ये टेक्निक समझना है, इसमें हुआ फोर प्लस ओवन और इसमें हुआ फोर प्लस फोर प्लस ओवन, वन ऑलवेज एक बार जोड़ा ही जाएगा लास्ट में, तो इसमें पैटर्न एक बार है, इसमें ये पैटर्न दो बार है तो दो बार कट लगाया हूँ, इसमें ये पैटर्न एक बार है तो एक बार सिंगल कट लगाया हूँ। अभी इसमें देखते हैं तो इसमें क्या है, ये पैटर्न तीन बार है, एक तो ए, ए, अंदर के ये चीज़ को हटा दे अंदर के ट्रायंगल्स को, तो एक बार इधर है, एक बार इसमें है और एक बार इसमें है, तो ये तीन बार है, तो फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस ओवन, तो इसमें टोटल थर्टीन ट्रायंगल्स है। ये ऐसे फटाफट काउंट हो रहा है, इसको काउंट करने जाएंगे नाम दे करके तो बहुत टाइम इसमें लगने वाला है। अच्छा अभी ये पैटर्न, अभी नेक्स्ट पैटर्न है पैटर्न फोर, तो इसमें क्या करेंगे, तो ये एक साइमेट्रिक फिगर है, इधर से करते हैं वन टू थ्री फोर, सॉरी वन वन टू थ्री, और इधर से भी काउंट करते हैं तो वन टू थ्री, इधर से भी थ्री है, इधर से भी थ्री है, तो इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से लिख लेंगे वन टू थ्री, और ए ओ वन है, वन में टू को ऐड कर लेंगे, ऐड करके लिखेंगे थ्री, थ्री में थ्री को ऐड कर लेंगे करके लिखेंगे सिक्स, अभी इसको ऐड कर लेंगे सिक्स थ्री नाइन और वन टेन, और टेन में क्या करेंगे ये बीच वाले नंबर को वापस ऐड कर लेंगे, तो टोटल बनता है इसमें थर्टीन ट्रायंगल बनता है। वापस से इसको देख लीजिए, वापस से देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से काउंट किया वन टू थ्री, ये ऊपर की ओर जो ट्रायंगल है उसको नहीं काउंट कर रहा हूँ, तो वन टू थ्री, इधर से भी तीन ट्रायंगल है वन टू थ्री, तो हमने लिख लिया वन टू थ्री, वन तो ठीक है ओवन है, अभी ओवन को टू में ऐड करके वापस से थ्री लिखा हूँ, थ्री को वापस से थ्री में ऐड करके सिक्स लिखा हूँ, अभी इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्स थ्री नाइन, नाइन और ओवन टेन, और अल्टरनेट इसको छोड़ करके इसको ऐड कर लेंगे, तो इसमें थ्री है उसके बाद ये भी छोड़ देना है, अल्टरनेट छोड़ देना है, आगे कुछ नहीं है, तो यही थ्री टेन में थ्री ऐड कर देंगे, तो इसमें टोटल थर्टीन ट्रायंगल होता है। तो ये इसका शॉर्टकट है इस पैटर्न का, यही पैटर्न इसमें है, अभी इसमें काउंट करते हैं ट्रायंगल्स, तो इसमें कितना है वन टू थ्री फोर, इधर से भी है वन टू थ्री फोर, इधर से भी है वन टू थ्री फोर, या अगर यहाँ से ले लें वन टू थ्री फोर, तो हर रो में तीनों तरफ से फोर फोर ट्रायंगल है, तो कैसे लिखेंगे वन टू थ्री फोर, ओवन का ओवन है, ओवन में टू ऐड कर देंगे, ओवन में टू ऐड कर देंगे तो हो जाएगा थ्री, थ्री में थ्री ऐड कर देंगे हो जाएगा सिक्स, सिक्स में फोर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा टेन, अब ये सबको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा छः तीन नौ एक दस, दस बीस ट्वेंटी हो गया, इसमें अल्टरनेट भी ऐड करना है, यानी टेन को छोड़ देना है, सिक्स को ऐड करना है और वन को ऐड करना है, थ्री को छोड़ देना है, तो सिक्स ओवन सेवन, तो ये होता है ट्वेंटी सेवन ट्रायंगल्स, ठीक है, तो इसमें ट्वेंटी सेवन ट्रायंगल्स है। तो अभी ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हम जो पैटर्न सीखे हैं अभी चार पैटर्न सीखे हैं उसका सहायता से उसको यूज करके करेंगे, जो भी हमने अभी पैटर्न सीखा है उसको एज ए फॉर्मूला, एज ए मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना है, ट्रायंगल्स को काउंट नहीं करना है, और उसका यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे, उसके जो है कंपोनेंट पैटर्न को इसके अंदर ढूंढेंगे और उसके उसको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये देखिए इसमें क्या है वन टू थ्री फोर, इसमें चार ट्रायंगल दिख रहा है
और ये हमें एक पैटर्न मिल रहा है जो हम अभी बताए थे, तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हो गए, तो ये हो गया 4 2 8, तो इसमें 8 ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल इधर भी बना हुआ है साइड में, तो इसको भी काउंट कर लेंगे तो +1। एक ट्रायंगल इधर और बना हुआ है तो फिर से +1, यानी 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है। और भी ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखिए, ये पूरे की पूरे ट्रायंगल, ए वाली ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल है। तो 8 + 2 कितना हो गया, 10, और 10 के बाद एक और ट्रायंगल इधर से ए बन रहा है, यही ट्रायंगल इधर से एक और ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या हो गया, 8 10 + 1 और एक और बन गया, तो टोटल 12 ट्रायंगल है। इसमें टोटल 12 ट्रायंगल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या है, अब इसमें भी जो है ये पैटर्न जो है 3 जगहों पे, ये बीच वाली जो पैटर्न था ना, वो 3 जगहों पे बन रहा है। एक यहाँ पे बन रहा है 1 2 3 4, एक यहाँ पे भी बन रहा है 1 2 3 4, और एक यहाँ पर भी बन रहा है 1 2 3 4। तो 3 जगहों पे बन रहा है। इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, इसमें ट्रायंगल हो गए 8, इसमें कितना हो गया 8, इसमें कितना हो गया 8, इसमें भी 8 8 हो गया। अच्छा, एक और पैटर्न बन रहा है, ए जो है ना, ए वाली पैटर्न आरती है, 24 हो गया। 24 के बाद अभी क्या कौन सा बन रहा है, एक ए वाली पैटर्न, इसको देखेंगे, अगर अलग से ड्रॉ करूं तो ऐसा बन रहा है ए वाली पैटर्न। तो इसमें 1 2 और 1 + 2 बताए थे 3 करने के लिए, तो ए कितना हो गया, 8 3 = 24, 8 3 = 24 हो गया। 24 में क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27। टोटल 27 ट्रायंगल्स इसमें है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ट्रायंगल्स काउंट करना है। इसमें 3 ट्रायंगल तो दिख रहा है, एक ए ट्रायंगल दिख रहा है, एक ए ट्रायंगल दिख रहा है, और एक ए ट्रायंगल दिख रहा है। 3 ट्रायंगल तो क्लियरली दिख रहा है, उसके अलावा और भी ट्रायंगल्स है। तो एक ट्रायंगल तो यहाँ पर है, ठीक, एक और ट्रायंगल से छोटा ट्रायंगल यहाँ पर है, दूसरा एक और ट्रायंगल यहाँ पर है, तो 3 ट्रायंगल इसमें और है, तो 3 3 हो गया 6। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, तो ये क्वेश्चन भी जो है ना, इसमें देखिए ए ट्रायंगल है, ए पार्ट है, इसमें हमारा जो है टाइप फर्स्ट या फर्स्ट वाला लगाएंगे, तो ये कितने ट्रायंगल है, टोटल 3 ट्रायंगल है, 1 2 1 2 को ऐड कर लेंगे तो इसमें तो टोटल 3 ट्रायंगल है। उसी तरीके से वही चीज यहाँ भी है, तो इसमें भी टोटल 1 2 कितना है, 3 ट्रायंगल है, और यहाँ भी वही चीज है, तो इसमें भी कितना है, 1 2 3 ट्रायंगल है। अच्छा, अभी उसके बाद एक पैटर्न और बना हुआ है हमारा, ए वाली पैटर्न बना हुआ है, कौन सा, तो ए वाली पैटर्न बना हुआ है, तो इसमें कितना ट्रायंगल होता है, तो इसमें ट्रायंगल होता है 1 2 3 4, 4 2 = 8 होता है, 8 तो होता है, लेकिन एक बात है कि ये ट्रायंगल हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ए ट्रायंगल भी ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो 3 ट्रायंगल तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो ये 9 + 8 में से 3 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 9 8 17 14, टोटल 14 ट्रायंगल होगा। थैंक यू।